मास्टर जी नमस्ते, लड्डू पेड़े सस्ते हम नहीं पढ़ते। मास्टर जी नमस्ते, लड्डू पेड़े सस्ते हम नहीं पढ़ते। मास्टर जी नमस्ते, लड्डू पेड़े सस्ते हम नहीं पढ़ते। मास्टर जी नमस्ते, लड्डू पेड़े सस्ते हम नहीं पढ़ते। ये कहानी उस दौर की है जब माँ बाप अपनी मर्जी के अनुसार अपने बच्चों की शादी उनसे बिना पूछे कर दिया करते थे। उस समाज की है जहाँ शादी से पहले लड़का लड़की ना एक दूसरे को देखते थे ना मिलते थे। उनकी पहली मुलाकात शादी वाले दिन होती थी और पहली डेट सुहागरात। इधर, अरे इधर, क्या बात, 16वीं बार क्या है ऐसा इस फिल्म में? बस दिल को छू गई है। टिकट मिलेगी? हाँ टिकट तो है, तेरे लिए तो एक बचा कर रखता हूँ मैं। फिल्म चालू हुए कितना समय हो गया? नंबरिंग शुरू हो गई है, बस निकल जा। जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। तो आओ पिंकी, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, फिर से एक नया घर बसाएंगे जहाँ हम दोनों होंगे, हमारा प्यार होगा, सिर्फ हमारा प्यार। सच बंटी? हाँ पिंकी, आओ। हे भगवान जी, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उससे बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही इच्छा है, मैं अपनी शादी फिल्मों की तरह करना चाहता हूँ, लव मैरिज। और आप ही के मंदिर में आकर मैं सात फेरे लूंगा। केदारनाथ जी, हमारे प्रेम के लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं, मगर ये है कि तैयारी नहीं हो रहा है। ये लीजिए, पहले आप लोग जलेबी खाइए, बातें बातें फिर होती रहे। चाय लीजिए जी। हमेशा कहता रहता है कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। अरे यही कहते कहते तो इतना बड़ा हो गया। लेकिन हम लोगों ने इस बार ठान लिया है, इस बार इसकी शादी करनी है तो करनी है। केदारनाथ जी, हमें आपकी बच्ची बहुत पसंद है, लेकिन आपको हमारा प्रेम पसंद है? तो फिर देर किस बात की है जी, शादी की तैयारी करो, शादी की तैयारी। आप भी लो ना, आप भी लो, मुंह मीठा करो। आप भी लो, आप भी लो। नहीं प्रेम, तुम भी मिठाई खाओ। तुम्हारी शादी पक्की हो गई जी, शादी पक्की हो गई। चलो चलो तैयारी करते हैं, तैयारी। Thank you.
अरे प्रेम, लड़का होके लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। चल अंदर। नमस्ते जी। ये क्या कर रही हो आप? माँ ने कहा था आपके पांव छूना। आपको तो मालूम हो ही गया होगा, मामा मामी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है। आप बुरा मत मानना, लेकिन मेरी इच्छा शादी करने की बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मामा मामी का कहा मैं टाल नहीं सकता था। अच्छा, आप फिल्में देखती हैं? नहीं। हाँ, जय संतोषी माँ देखिए दो बार। जय संतोषी। लव स्टोरी देखी है कुमार गौरव वाली? नहीं देखी। मैंने देखी है 22 बार। 22 बार? हाँ, और मैंने तो सोच लिया था कि मैं कुमार गौरव की तरह लव मैरिज ही करूंगा, लेकिन मेरी अरेंज मैरिज हो गई आपके साथ। मैं इस शादी से खुश नहीं हूं। मेरी बात का आप गलत मतलब मत समझना, मैं लव मैरिज ही करना चाहता हूँ। अच्छा, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे लव मैरिज कर सकता हूँ? लव मैरिज? भाग की शादी करना? नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरी बात होती है। हमारे गांव में तो लव मैरिज का नाम लेने वालों की भी खूब पिटाई होती है, जूतों से पीटा जाता है। एक बार हमारे गाँव की एक लड़की को एक लड़का भगा के ले जा रहा था। मेरे जोगिंदर भाई ने उसे पेड़ से उल्टा लटकाकर जूतों से पीटा था। नहीं नहीं, बुरी बात नहीं होती है, बहुत मजा आता है लव मैरिज करने में। मैंने फिल्मों के अंदर देखा है, पहले प्यार करो फिर उसके बाद शादी करो। हम भी ऐसा ही करेंगे। अच्छा, अभी आप ये मान लो कि हमारी शादी हुई ही नहीं है, फिर जब मुझे आपसे प्यार होगा ना तो मैं आपको प्रपोज करूंगा। प्रपोज? ये क्या होता है? जब एक लड़के को एक लड़की से प्यार होता है और वो लड़का उस लड़की से बोलता है आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जी जी, ये क्या गंदी गंदी बातें सिखा रहे हैं आप मुझे। ये सब बातें सिर्फ उसी से की जाती हैं जिससे माँ पिताजी शादी कराएं। गंदी बात नहीं होती है। अच्छा, जिससे हमें शादी करनी होती है उसी से तो हम ये बातें करते हैं ना, तो इसमें गलत क्या है? बस मैंने तो सोच लिया है, जब मुझे आपसे प्यार होगा तभी मैं आपको आई लव यू बोलूंगा और तभी स्वागरात मनाऊंगा। मुझे तो बस लव मैरिज ही करनी है। अच्छा ठीक है, माँ ने कहा था अपने उनकी हर बात मानना, जैसा वो कहे वैसा ही करना।
सुनो जी, सुनो ना, सुनो जी। हाँ, क्या हुआ? वो कहाँ है? वो क्या? वो ही क्या? बड़ी जोर की लगी है। अच्छा अच्छा, मैं ले चलता हूँ। कोई ऐसी जगह पे बाहर कोई तड़पता रहे। आइए, सुनो, चाय। आपने अभी तक घूंघट क्यों किया हुआ है? मामा मामी यहां पर नहीं रहते हैं, आप घूंघट उठा सकती हो। मेरी माँ ने कहा था कि तू घूंघट मत उठाना, वो ही अपने हाथों से घूंघट उठाएंगे। अच्छा, ऐसा होता है क्या? लो ये चाय पकड़ो, मैं आपका घूंघट उठाता हूँ। आप सुंदर हो, लेकिन आप तो बहुत सुंदर हो। आपने चाय बहुत अच्छी बनाई है। हाँ, लेकिन अब आप ही को बनानी पड़ेगी, मैं तो आराम से सोता रहूंगा। आप चाय पीकर नहा लो, फिर मैं आपको रसोई घर दिखा देता हूँ। रसोई घर?
ये क्या किया हुआ है आपने? आपको साड़ी पहननी नहीं आती है? नहीं, घर पर तो कभी साड़ी पहनती नहीं थी, सिर्फ सूट सलवार ही पहनती थी। अच्छा चलो मैं सिखाता हूँ। ऐसे अच्छा रहने दो, आप हाँ मैं बताता हूँ। देखो फिर ऐसे अब इसको अंदर डाल लो। हाँ इसको ऐसे पकड़ो। अच्छा रहने दो, अभी समझाया ना मैंने। अच्छा देखो ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, अब इसको अंदर से यहाँ से। हाँ इसको ढकते हैं, ऐसे ऐसे ढको इसको। बस इतना आसान था, सीखा क्यों नहीं? माँ ने कहा था ससुराल में सब सीख जाओगी। अच्छा अब अपना चेहरा पोंछ लो, मैं जलाता हूँ। बस अब आप गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दो। क्या हुआ? मुझे खाना बनाना नहीं आता। खाना बनाना ही नहीं आता? नहीं, वो माँ ने कहा था ससुराल में सब सीख जाओगी। अच्छा अच्छा इतने स्वादिष्ट पराठे बनाने आपने कहाँ से सीखे? मुझे तो सारे ही काम आते हैं। नौकरी लगने के बाद मैं अकेला ही रहा हूँ। मामा मामी से बहुत बार बोला यहाँ आकर रहें, लेकिन वो अपने पुराने मकान में ही रहना चाहते हैं। ये क्या कर रही हो आप? माँ ने कहा था उनके पांव दबाना। मेरे पिताजी जब भी थककर घर आते थे ना, तो मेरी माँ इसी तरह उनके पांव दबाती थी। आपके पिताजी का खेती बाड़ी का काम है, वो बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए उनके पांव थक जाते हैं। मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ, मेरे पांव थोड़े ना थकते हैं। हाँ बोल बोल कर थोड़ी गले में थकान हो जाती है। अच्छा तो फिर गला दबा दूं? आप सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह बहुत सारा काम है ना। ठीक है। मास्टर जी, मास्टर जी आपकी चिट्ठी। सुनो आपकी चिट्ठी आई है, आपके घर से चिट्ठी आई है। अरे पहले चिट्ठी पढ़ो।
मेरे बारे में क्या लिखा है आपके घर वालों ने? मैं पहले आपके लिए चाय बना देती हूँ ना, चिट्ठी तो बाद में भी पढ़ लूंगी। शादी के बाद पहली बार चिट्ठी आई आपके घर से, पहले इसे पढ़ो। सब राजी खुशी लिखा है। मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा। इसमें तो लिखा है कांता मर गई। कांता कौन थी आपके घर में? हमारी बकरी। अच्छा बकरी, तो कोई बात नहीं, रोते नहीं रोते नहीं। लेकिन आपने तो कहा था कि सब राजी खुशी है। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। आपने पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा? मैं चाहती थी लेकिन माँ ने कहा ससुराल में सब सीख जाओगी। मामा मामी ने कहा था लड़की को सारा काम आता है, कुछ नहीं आता है। सुनो वो पकड़ा ना। वो क्या? वो जो उधर टंगा हुआ है। इधर तो बहुत सी चीजें टंगी हुई हैं। वो मेरा कच्छा। ये कोई कच्छा है? ये तो बच्चों की चड्डी है। आपको शर्म नहीं आती इतनी छोटी चड्डी पहनते हुए? हाँ तो क्या मैं ये चड्डी पहनकर बाहर घूमता हूँ क्या, जो मुझे शर्म आएगी? ये लो आपकी चड्डी। कहाँ है, देख कर नहीं दे सकती हो क्या? मैं क्यों देखूँ ऐसी वैसी चीज? फिल्म दिखाने ले चलोगे? इन कपड़ों में अगर बाहर किसी ने देख लिया तो पंचायत बिठा देंगे, सीधे मामा मामी के पास खबर जाएगी और हमारी खिंचाई हो जाएगी। ठीक है, साड़ी में चलना पड़ेगा, वो भी घूंघट के साथ। ठीक है, मैं अभी साड़ी पहन के तैयार होके आती हूँ। दुल्हन दुल्हन। अरे प्रेम, ये आदमी कौन है? मुझे, ये तो मेरा दोस्त है, मुझसे मिलने के लिए आया है। अच्छा, दुल्हन कहाँ है? उसके लिए साग लाई हूँ। मौसी, उसको तो दस्त लग गए हैं, तो उसको ना बार बार जाना पड़ रहा है। ये मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। नहीं नहीं, उसे आ जाने दो, मैं दुल्हन से मिलकर ही जाऊंगी। अच्छा मैं बैठ जाती हूँ।
बेटा तेरा नाम क्या है? अरे तुझे से पूछ रही हूँ, नाम क्या है तेरा? गूंगा। हाय राम, ये कैसा नाम हुआ? नहीं नहीं मौसी, ये गूंगा और बहरा है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है। बताओ, इतने सुंदर लड़के को भगवान ने गूंगा बहरा बना दिया। अभी क्या कर सकते हैं। जा भाई मौसी के लिए पानी वानी लेकर आ। प्रेम, ये गूंगा बहरा है ना, तेरी बात कैसे समझ गया? मौसी वो मेरा दोस्त है ना, तो मेरी सब बात समझ जाता है। अच्छा। मौसी जी पानी। अरे तू तो टट्टी कर रही थी, पानी तो वो गूंगा लेने गया था। जी उन्होंने ही तो मुझे बोला आपको पानी देने के लिए। गूंगा? गूंगा कैसे बोला? बोला नहीं, उन्होंने समझाया मुझे। अच्छा अच्छा, तेरे लिए साग लाई थी। प्रेम कितनी गऊ दुल्हन है तेरी, घर पे भी घूंघट में रहती है। दुल्हन ये घूंघट घर पे उतार दो, ये तो बाहर के मर्दों के लिए होता है। नहीं नहीं मौसी जी, हमारे यहाँ तो अपने से बड़ों से घूंघट ही किया जाता है, चाहे मर्द हो या औरत। वाह, माँ हो तो तेरी माँ जैसी, बेटी को सब कुछ सिखा के भेजा है। वो गूंगा कहाँ चला गया? वो चला गया, लेकिन दरवाजे पर तो हम बैठे हैं, यहाँ से तो कोई नहीं गया। मौसी वो आता दरवाजे से है, लेकिन जाता खिड़की से है, सबके यहाँ वो ऐसे ही करता है। अरे ये कैसी अजीब आदत है खिड़की से जाने की। चलो मैं जाती हूँ, तेरे मौसा के आने का समय हो गया है। ये लो साग खाना तुम लोग। तुम्हारे बिना नहीं जी सकता पिंकी, इसलिए आज अपनी किस्मत का फैसला करने आया। हाँ पिंकी, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूं। देखकर तो मजा आया, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है, इतनी रात हो गई है। हाँ, और ऊपर से साइकिल की लाइट भी खराब है। ओ, क्या हुआ जी? काली बिल्ली रास्ता काट गई है, अब हम पहले किसी और को जाने देंगे फिर जाएंगे, और अपना घूंघट कर लो। कोई गुजरा क्या? नहीं। सुनो जी, इतनी देर हो गई, अब तक कोई नहीं आया। सुनो
कोई आ रहा है, आप जल्दी से ना साइकिल पर बैठ जाओ, जैसे ही वो आएगा हम लोग भी निकल जाएंगे। तुम मास्टर जी हो ना? हाँ, हाँ, हाँ। मेरे बच्चों को मार मार कर पढ़ाया करो। हाँ, हाँ। बहुत देर हो गई है, हम कच्चे रास्ते से चलेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। साइकिल से कबूतरी उतरी नहीं, गिरा दिया आपने और पीछे मुड़के देखा भी नहीं। ओहो, अच्छा तो अभी मैं आपको ना आगे बिठा कर ले चलूंगा, चलो। बात बोलूं क्या? सुनो। हाँ बोलो, मना करूंगा तो क्या नहीं बोलोगी? हम दोनों एक दूसरे को आप कह के बुलाते हैं, मैं आपको तुम बोलूंगी, आप भी मुझे तुम ही बुलाना। क्यों, आप बोलने से गले में दर्द होता है? आप शब्द इज्जत देने के लिए बोला जाता है, तुम शब्द से अपनापन महसूस होता है। हाँ तो मुझे अपनापन महसूस नहीं होता है, इसलिए आप बोलता हूँ। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट शनमी दूर करे, ओम जय जगदीश हरि। आज कौन सा दिन है? आज मेरा जन्मदिन है। आज अगर मैं अपने मायके में होती तो मेरी माँ मेरे लिए हलवा पूरी और खीर बनाती। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब बस बनाना शुरू करना है। बनाना शुरू करना है, लेकिन किसको? आज मेरा जन्मदिन है। Thank you.
तो हर साल 15 जून को मनाती हैं आप अपना जन्मदिन? 15 जून को? आज है ना 15 जून? नहीं नहीं, बारिश का जो पहला दिन होता है ना, उसी दिन पैदा हुई थी मैं, माँ ने बताया था, और उसी दिन मैं अपना जन्मदिन मनाती हूँ। तो आज कहाँ बारिश हुई है? अरे हुई थी ना, सुबह सुबह हल्की सी बूंदा बांदी। बहुत ध्यान रखती हूँ मैं, अपना जन्मदिन किसी गलत दिन नहीं मनाती। फिर तो आपका जन्मदिन आगे पीछे खिसकता रहता है, मेरा जन्मदिन एकदम सही दिन आता है। कब आता है आपका जन्मदिन? रामलीला देखती हो? हाँ। हमारे गांव में जब रामलीला होती है ना, और जिस दिन हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं, उसी दिन पैदा हुआ था मैं। और अपना जन्मदिन ऐसे नहीं मनाता मैं, एकदम फिल्मों की तरह मनाता हूँ। सच्ची? फिल्मों की तरह? मेरा जन्मदिन भी वैसे मनाओ ना, मैंने कभी नहीं देखा। चलो ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे मनाते हैं फिल्मों में जन्मदिन। बस ये मोमबत्तियां अब इस केक पर लगानी है। आपकी उम्र कितनी हो गई? इतना तो मैंने भी सुना है कि फिल्मों में क्या जवाब देते हैं। क्या? लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते। अब इस मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दो। अब इस केक को काटो और मुझे खिलाओ। Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. हाँ? फिर से इस केक को काटो और मुझे खिलाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हाँ? फिर से इस केक को काटो और मुझे खिलाओ। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. 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 Oh,
अब होने लगा है ये पल भी नया सा क्यों लगती है दुनिया नहीं कोई आई यूं समाई कह जाए दिल की सौ बातें पल में बहके हौले से ये पल क्यों थम सा जाए आप अपनी वही दुल्हन वाली साड़ी पहन लो हाँ, पर परवर कुछ नहीं आप बस जल्दी से तैयार हो जाओ हर पल लगता है क्यों ऐसी धुन कोई सुनती ही जाऊं जाने अनजाने में अब तो नगमे वो सारे मैं संग संग मैं आपको तुम बुला सकता हूं आप बहुत अच्छे हैं और बहुत सच्चे भी जो आपके दिल में होता है वो सब कुछ आप बोल देते हैं आपके साथ रहकर मुझे कभी अपने मायके की याद भी नहीं आई शादी से पहले हम कुंवारी लड़कियां भगवान की पूजा करती हैं उपवास रखती हैं कि हमें आप जैसा अच्छा पति मिले मुझे तो कुछ भी नहीं आता था फिर भी आपने मुझे स्वीकार किया इसलिए मैं इतने अच्छे इंसान को और धोखा नहीं देना चाहती अगर आज मैंने आपसे ये बात छिपाई तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं होगा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं बचपन में मैं बहुत शरारत करती थी दिवाली के दिन पटाखे चलाते समय मेरे कपड़ों में आग लग गई माँ ने मुझे तो बचा लिया लेकिन मेरे शरीर का एक हिस्सा आज भी मुझे उस आग की याद दिलाता है मैं जली हुई हूं जितनी खूबसूरत बाहर से दिखती हूं उससे कई ज्यादा बदसूरत अंदर से हूं
सुनो। रात हो गई, अभी भी वो नहीं आए। मौसी से जाकर बोलती हूँ। दुल्हन, दुल्हन, इस तरफ चारपाई पे लिटा दो, संभाल के। अरे पगली, रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ है प्रेम को, बस मामूली सी मोच है। वो ना अंधेरे में साइकिल से गड्ढे में गिर गया। बेटा तू एक काम कर, इसको ना हल्दी वाला दूध पिला दे गरम गरम, मैं मलम लेकर आती हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? बुखार हो गया, दुल्हन ने बताया तुमने दवाई नहीं खाई। बिना दवाई के कैसे ठीक होगे? चलो दूध पी लो, उठो। थोड़ा सा पी लो। दुल्हन, इसे ना जबरदस्ती दवा खिलाना और पैरों की सिकाई जरूर करना, ठीक है? आलू के परांठे बनाए हैं मैंने।
सुमन वो देना। सपने हैं छाए तेरे, क्यों ये नैना आज यूं ढूंढे हैं साए तेरे, क्यों ये दिल की बेबसी कैसी है ये आशिकी, तन्हा है दिल मेरा तेरे लिए थम बह रही ये हवा, अब तो तेरे बिना जिंदगी है सजा, क्या जाने क्या कह रही है सदा, अब तो तेरे बिना ना लगे मौसम यूं भाए तेरे, क्यों ये रहना आज कल सपने यूं लाए तेरे, क्यों ये दिल की बेबसी कैसी है ये आशिकी, तन्हा है दिल मेरा तेरे लिए उससे शादी से पहले मिलता तो भी वो मुझे सब सच सच बता देती, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अरे मास्टर जी, अरे मास्टर जी, अरे क्या मास्टर जी, आपने तो आना ही छोड़ दिया। अरे आप लोगों के सहारे तो हमारा घर चलता है, क्या बात, फिल्में विल्में देखना बंद कर दिया क्या? दर्शकों की खास मांग पर काका की नई फिल्म लगी है,
थोड़ी सी बेवफाई बहुत हिट जा रही है, आ जाना। और हाँ, अपने उस चश्मे वाले को जरूर लेकर आना, तुम्हारे लिए दो टिकट बचा कर रखूंगा, ठीक है? हाँ। अरे प्रेम, दुल्हन को इतने दिन हो गए मायके में, लेने क्यों नहीं जाता? मौसी, अब वो नहीं आएगी। नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? मौसी, मैंने उस पर हाथ उठा दिया था। हाथ उठा दिया था? नालायक, मास्टर होके अनपढ़ों के काम करता है। माफ कर दो मौसी, गलती हो गई। एक लड़की का ब्याह उसका दूसरा जन्म होता है, डरी हुई होती है, ना जाने ससुराल वाले लोग कैसे होंगे, उसका पति उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। वो जब ससुराल आती है तो अपना घर बार, माँ बाप, भाई बहन सब कुछ छोड़ कर आती है, जिनके साथ उसने अपना पूरा बचपन बिताया होता है। बड़ा त्याग करती है लड़की, ससुराल वालों को उसे मायके वालों से ज़्यादा लाड़ प्यार देना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। लड़के का क्या, उसको थोड़े ही घर परिवार छोड़ना होता है। और उस बेचारी लड़की की एक ही इच्छा होती है कि उसका पति उसे दिल से स्वीकार करे और प्यार करे, बस, और कुछ नहीं चाहती होती वो। अच्छा मौसी, मौसा ने तुम पर कभी गुस्सा नहीं किया? मतलब ही नहीं, उनको तो मुझसे बहुत लगाव हो गया था, इतना कि मुझे मायके भी नहीं जाने देते थे। एक बार मेरा भाई मुझे लेने आया और तेरे मौसा घर पे नहीं थे, और मेरा भाई मुझे ले गया। तेरे मौसा उसी रात मेरे मायके पहुंच गए और बोलने लगे, किसकी हिम्मत हुई कि मेरी पत्नी को मुझसे बिना पूछे लेकर आ गए, और उसी रात मुझे वापस ले गए। अच्छा मौसी, फिर तुम्हारे मायके वालों ने कुछ भी नहीं बोला? उनकी तो गिगी ही बन गई थी, दामाद की बात भी कोई टालता है क्या? क्योंकि दामाद तो आखिर दामाद ही होता है ना। दामाद तो आखिर दामाद ही होता है। मौसी, मैं जाता हूँ। लेकिन कहाँ? तुम्हारी दुल्हन को लेने। अच्छा, अरे साइकिल पे जाओगे क्या? नहीं, रेल से, साइकिल तो स्टेशन पर छोड़ दूंगा। अच्छा अच्छा, ले आ दुल्हन को। अकेली जाने वाली गाड़ी निकल तो नहीं गई? निकलने वाली है, जल्दी जाओ। चलो जाओ भाभी, अंदर जाओ। चलो किसकी हिम्मत हुई जो मुझसे बिना पूछे मेरी पत्नी को लेकर आए? मेरी? अब आगे बोल। मैं अपनी पत्नी को ले जाने के लिए आया हूं। पत्नी? किसकी पत्नी? जो ब्याह कर भी बिन ब्याह ही है। ये हमारा निजी मामला है। निजी मामला?
अपनी ब्याहता पत्नी से। योगिंदर, उस ब्याह को क्या कहते हैं? बाबूजी, लव मैरिज। हाँ, अपनी ब्याहता पत्नी से लव मैरिज वाला ब्याह को निजी मामला कहते हैं क्या? मास्टर, तू एकदम बावला हो गया है। अरे पिताजी, सुमन को मर्दाना कपड़ा पहनाता है, काला चश्मा पहनाता है। इसकी बुद्धि है ना, ब्रश हो चुकी है। ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? मैं इस घर का दामाद हूं और दामाद आखिर दामाद ही होता है। कुछ नहीं है तू इस घर का, वो रिश्ता तूने कभी जोड़ा ही नहीं। अब इससे पहले कि हम अपने शर्म भूल जाएं, निकल जाए यहां से। चल निकल, चल निकल। ठीक है, मुझे एक बार सुमन से मिलना है। मास्टर, तूने सुना नहीं? तू अजनबी हमारे लिए, और हमारे घर की बहू बेटियां अजनबी से बात नहीं करती। तूने तो सुमन पर हाथ उठा दिया था ना? कहीं वैसी गलती हमसे भी ना हो जाए। चल निकल, निकल। टोपी ओपी उखाड़ के फेंक दूंगा। जोगिंदर, ये क्या लिख गया अपनी कटी उंगली से? पिताजी लिख गया, प्रेम लव सुमन। ओ, अपनी सुमन। सुमन, मैं प्रेम हूं। सुनो सुमन, सुनो ना सुमन, मेरी बात तो सुनो। एक बार मेरी बात सुन लो सुमन। सुनो तो सुमन। कैसी कैसी बीमारियां हो जाती है लोगों को।
ममता घर में? अरे भीमा उठ, ममता घर में घुसा है, उठ। अरे तोचू उठ, हाँ ममता घर में घुसा है, उठ। अरे तो भैया ममता घर में घुसा है, अरे कहाँ भैया कहाँ गया चाचा? चाची हूँ, लेट गए। सुमन, 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 सुमन दरवाजा खोल। घर में ममता घुसा है, कहीं तेरे कमरे में नहीं आया? सुमन, 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 सुमन दरवाजा खोल, घर में ममता घुसा है। सुमन, सुमन, क्या हुआ भाई? पता नहीं ममता घर में कैसे आ गया, कहीं तेरे कमरे में तो नहीं छुप गया? नहीं भाई, यहाँ तो कोई नहीं आया। ठीक है, ध्यान रखना फिर। सुमन, सुमन मेरी बात तो सुनो। सुमन, सुमन सुनो, सुमन सुनो, बहुत जोर की लगी है। Ah.
मुझे जाना है। हाँ तो चली जा, मैं तेरे बाद में चले जाऊंगा। अब खड़ी क्यों है? हाँ हाँ जा रही हूँ ना। मुझे तो खड़ी दिख रही है, मुझे जाने दे। नहीं 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 मुझे जाना है, बहुत जोर की लगी है। ना खुद जा रही है ना मुझे जाने दे रही है। हाँ तो एकदम तेज आएगी तब जाऊंगी ना। राक्षस गया, मेरा मतलब आपके जोगिंदर भाई सब चले गए। सुमन मेरी बात सुनो, सुमन मेरी बात तो सुनो, सुनो मैं कुछ बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो, मैं नहीं जाने दूंगा, मेरी बात सुनो। तुमने अभी तक मेरी बात सुनी है? बैठो। सुमन मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो तुम? मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो एक बार। बैठो। देखो सुमन, सुमन आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसीलिए तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगा, सब काम खुद करूंगा। बर्तन साफ करूंगा, कपड़े धोऊंगा, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। जब तुम्हारे घर से चिट्ठी आएगी मैं खुद पढ़ूंगा, तुमसे नहीं पढ़ूंगा। मैं तुम्हारे माँ पिता से ज्यादा प्यार करूंगा, मेरे साथ चलो सुनो। थप्पड़ तो नहीं मारोगे? उससे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लो तुम भी मारो। अरे अरे मुझे पाप लगेगा, ये क्या कर रहे हो आप? आपने तुम लेकिन जोगिंदर भाई वो नहीं मानेंगे। हाँ तो उनसे पूछेगा कौन? हम यहां से छुपकर भागेंगे। क्या? पर कैसे? अभी वो मुझे नहीं पता है। बस एक तरीका है। एक मिनट, चलो ये कौन है? मेरी सहेली है। अरे सुमन जीजी, आपकी सहेली तो बहुत सुंदर है, चश्मे वाली। लेकिन जीजी इसके पहले गांव में इसको कभी देखा नहीं मैंने। हाँ तो ये अपने गांव में नहीं रहती ना, बगल वाले गांव में रहती है। तेरा नाम क्या है? गूंगी। गूंगी? ये कैसा नाम है? ये जन्म से ही गूंगी है ना, बेचारी बोल ही नहीं सकती, तो इसका नाम भी गूंगी रख दिया।
जोगिंदर भैया तब तो बहुत सही है, इसके साथ कुछ भी करो ये तो बोल ही नहीं सकती है। तुझे अच्छा हाँ अच्छा सुमन मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ तो कुछ लाना है क्या? नहीं भाई कुछ नहीं लाना। पक्का कुछ नहीं चाहिए? नहीं। फिर बाद में मत बोलना ठीक है? अब हमें रात को ही भागना पड़ेगा ना, टीसन पे जोगिंदर भाई मिल जाएंगे। चलो गूंगी अरे आप दोनों लोग इतनी रात को अकेले कहां जा रहे हो? अरे कौन कहां जा रहा है? अरे वो देखो तो जोगिंदर भाई वो गूंगी को डर लग रहा था तो मैं उसे छोड़ने जा रही हूँ, बहुत रात हो गई है ना। फिर तुझे कौन छोड़ने आएगा? तो एक काम कर अंदर जा, गूंगी को तोची छोड़ आएगा। हाँ बिल्कुल मैं छोड़ाऊंगा, लक दे गया जाओ। हाँ बिल्कुल जाते हैं। हाँ जोगिंदर भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, अरे इतनी रात को लड़कियां अकेले बाहर थोड़ा नहीं जाती हैं। अरे चोर उचक्के गुंडे मवाली और कुत्ते भौंभौं है, ऐसा है कि आप जी अंदर जाओ ठीक है, गूंगी को मैं छोड़ के आता हूँ ठीक है। गूंगी आओ, अरे मैं इसके घर तक छोड़ के आ जाऊंगा भाई है? जाओ आप जाओ ठीक है जोगिंदर भाई। हाँ चलो चलिए। हाँ। अरे तोची हाँ बराबर छोड़ गया ना उसको। अरे बिल्कुल बिल्कुल हाँ गूंगी तुम्हें तो डर लग रहा होगा ना, लेकिन अब नहीं लगेगा, मैं तुम मैं हम, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं गूंगी। हाथ छोड़ है? अब सीधा घर चला जा वरना बहुत मारूंगी। बहुत ज्यादा मारूंगी। चोरी करना पाप है, तेरे घर में सांप है। चिड़िया उड़ चिड़िया उड़, तोता उड़ तोता उड़, मुर्गी उड़ मुर्गी उड़, मोर उड़ मोर उड़, कबूतर उड़ कबूतर उड़, तोची उड़ तोची उड़।
फंस गया। आजा, कई दिनों से किसी को थप्पड़ नहीं मारा है, बड़ी खुजली हो रही है हाथ में। वैसे बोला बिल्कुल सही तूने, ये सारा तोची सचमुच ही उड़ी गया, कल रात से नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ जोगिंद्र भाई, मेरे को भी नहीं दिखाई दिया। कहीं गुंगी के साथ भाग तो नहीं गया? उसके साथ कहीं शादी तो नहीं रचा ली? जोगिंदर, ओए मोटे डरपोक चूहे, किसकी मौत आई है? सामने आ। सामने तू आ, घर में छिपा बैठा है, चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? अगर हिम्मत है तो पहाड़ी के पीछे आ, साले आज मैं तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा। तू रुक, मैं अभी आया। और हाँ, अगर मर्द है ना तो अकेला मत आना, सबको साथ लाना। हैं? सबको साथ में ले जाऊंगा तो ही मर्द कहलाऊंगा। चलो सभी चलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो सब छोड़ो, मैंने बहुत मुश्किल से उस राक्षस को भगाया है। आपके बड़े भाई साहब जोगिंदर भाई साहब को मैंने बहुत मुश्किल से भगाया है। चलो मौका अच्छा है, भाग चलते हैं। हमारे यहाँ दामाद भाग कर नहीं जाते, तिलक लगवा कर जाते हैं। ससुराल में दामाद को राजा की तरह रखा जाता है, लेकिन चाहकर भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। घर के सभी बड़े फैसले लेने का अधिकार तो हमारे यहाँ घर के मर्दों के पास है, और हम औरतें कठपुतलियां होती हैं कठपुतलियां। दामाद जी, हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, और सुमन की चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं इसे कभी भी कठपुतली नहीं बनाऊंगा। घर के पीछे साइकिल खड़ी है। सुमन जल्दी से बैठो। तुम फिर से मुझे गिरा दोगे? नहीं नहीं, उस दिन तो रात थी ना, और तुम पीछे बैठी थी, अभी आगे बैठो, जल्दी जल्दी। बिल्ली रास्ता काट गई। पीछे से बिल्ला आ गया ना तो हमें काट देगा। बिल्ला मतलब? जोगिंदर भाई। ओ, 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 ओ। Yeah.
सुमन, रेलगाड़ी आने का टाइम होने वाला है, तब तक यहाँ बैठ जाते हैं। सुमन, आखिर मेरी लव मैरिज पूरी हो गई। आखिर मैंने तुमसे लव मैरिज कर ही ली सुमन। सुमन, आखिर मैंने तुमसे लव मैरिज कर ही ली। डा 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 डा। क्या हुआ? गोगी, जोगिंदर भैया बनाएंगे अब तुम्हें गूंगा, समझे? अय्या, चलो सुमन जी, जी चलो चलो छोड़, नहीं, चलो छोड़ो छोड़ो तो जी भाई, चलो जी जी चलो। तुझे बोला था ना, अब हमारे तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। जोगिंदर भाई फिर वही ना मैरिज की बाकी बात कर रहा है। मेरी बात तो सुनिए, तू मेरी बहन को भगाएगा? मेरी बहन को भगाएगा तू? मेरी बात तो सुनिए, फिर वही ना मैरिज की ब्याह की बात कर रहा तू? अब उतरा भूत की नहीं तेरा। मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बहन को भगाएगा तू? जोगिंदर भाई साहब, देख मास्टर, इस बार छोड़ रहा हूँ और अगली बार इस गाँव में दिखाई भी दिया ना तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझा? चलो रे।